भारतीय संविधान कब बना, कब लागू हुआ और इसको बनने में कितना समय लगा, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन जो बात आप नहीं जानते, वो बात संविधान दिवस के मौके पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर संविधान को लेकर सबसे ज्यादा झूठ ये फैलाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा ही नहीं है। जबकि सच ये है कि संविधान समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने 60 देशों के संविधानों को पढ़कर भारतीय संविधान का खाका तैयार किया था और उस खाके को लिखित रूप प्रेम बिहारी नारायण राय जादा और वसंत कृष्ण वैद्य ने दिया था। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने कैलीग्राफी में हाथ से संविधान को इंग्लिश में लिखा था, वहीं वसंत कृष्ण वैद्य ने अंग्रेजी में लिखे गए संविधान का हिंदी अनुवाद किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने का समय लगा था। कहा यह जाता है कि संविधान को अंगीकार करने के बाद भी संविधान सभा के कई सदस्यों ने संविधान के कई हिस्सों पर नाराजगी जताई थी। जबकि सच ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने के बाद 2 महीने तक संविधान का पाठ किया गया था और संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई कॉपियों पर दस्तखत किए और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। कुछ लोग समझते हैं कि भारतीय संविधान का मतलब है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ। जहां धर्म शब्द आ जाता है, वहां पूजा पाठ अपने आप जुड़ जाता है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने अब बाबा साहब और संविधान को पूजना शुरू कर दिया है। लेकिन सच ये है कि बाबा साहब मूर्ति पूजा और कर्मकांड जैसी चीजों के सख्त विरोधी रहे हैं। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बाबा साहब ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में इसी बात का जिक्र किया है। भारतीय संविधान लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि लोकतांत्रिक पुस्तक है, जिसमें नियम और कानून, समानता और स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान का निर्माण करने के बाद लोग बाबा साहब को देवता या मसीहा ना समझ बैठे और उनकी पूजा ना करने लगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्च 1953 में राज्यसभा में एक भाषण देते हुए कहा था कि मुझे संविधान निर्माता कहना गलत होगा। खुद को भाड़े का लेखक बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने वह लिखा जो मुझे लिखने के लिए कहा गया। ये बात कुछ हद तक सच है कि बाबा साहब ने संविधान को खुद जलाने की बात कही थी, लेकिन इसके पीछे का कारण ये था कि 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में देश के गवर्नर की शक्तियां बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही थी, जिसका बाबा साहब ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, पर मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि इसे जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। बाबा साहब ने संविधान चलाने वाली बात क्यों कही थी, इसका जवाब उन्होंने 19 मार्च 1955 को राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान उसमें आकर रहते, एक राक्षस आकर उसमें रहने लगा। अब उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूँ। यहाँ हमें बाबा साहब की वो बात याद करनी चाहिए जिसमें वे कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।